हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नोमान दूसरे शो में। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों पोको फोन का जो लॉन्चर है वो तो बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग कोई अपने मोबाइल में लॉन्चर को डालना है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, बिकॉज ये जो है ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है बट बेटा वर्जन में है और वो इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों को। तो इस वीडियो बताऊंगा, APK मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके इसको वहां से कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या इसकी जो है आपको प्रोज मिले, कौन से कौन मिले। तो जरूर से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छा लॉन्चर है। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो आज के वीडियो को जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बहुत जल्दी हमें 5000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं इसके लॉन्चर के बारे में। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कैसा आप लोगों को देखने मिल जाता है। अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा आप उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मैंने इसको APK फाइल से, मैंने जो APK मिरर होता है उससे मैंने इसको इंस्टॉल किया है। मैं आप लोगों को और दिखा देता हूं, ये आप लोगों को प्ले स्टोर में दिखा के कि आप लोगों को प्ले स्टोर में भी ये मिलता है बट ये आप लोगों को जो है ये अवेलेबल दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल्ड किया हुआ है मगर ये जो है ये बेटा वर्जन में है, ठीक है, अनरिलीज्ड ऐप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो ये बहुत सारे लोग के पास नहीं है, तो आप चाहें तो मैं बोलूँगा आपको, रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। यहाँ पे देख सकते हैं यार, मैं इसको बैक करूँगा, तो यहाँ पे अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप लोग जो हैं इसे वहीं से लीजिए, मतलब APK में आप लोगों को जो लिंक मिल जाएगी आप वहाँ से इसको ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो मैं कम करता हूँ बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा मोबाइल है ये है Mi Max 2, जैसे ये वीडियो हो रहा है। एंड ये देख सकते हैं आप इसका कुछ ऐसा इंटरफेस, और देख सकते हैं कैसा फास्ट आप लोगों को मिलता है, दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं बहुत ही फास्ट है, मतलब आप देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी देर में इतना पसंद भी आ गया है। ये सब मेरे कुछ सारे एप्लीकेशन हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यही मेरा, क्योंकि आपको पता है मेरा यही एक मोबाइल है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और मैं आप लोगों को सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊँ, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आना पड़ता था एंड यहाँ पे हमें डिलीट करना पड़ता था पूरा रैम जब अलग होता, तो मगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो यार, यहाँ पे अपन रिमेंबर, अरे हो गया सिस्टम में चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपन जाते हैं वापस, यहाँ पे रिमेंबर माय चॉइस, यहाँ पोको लॉन्चर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, यहाँ पे हम यहाँ पे इतने सारे जो हमारे ऐप खुले रहते हैं तो हमें इसको एक ही बार में करना है, तो आप लोगों को पूरा वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बस इसमें दबाना है एंड ये पूरा खत्म हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 188 MB क्लीन्ड। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया ऑफर मुझे, मतलब बहुत ही पसंद आया है। आप बताओ आपको कैसा लगा, क्योंकि कुछ नया किया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे यहाँ पे फीचर दिए हैं। और यहाँ पे ऐसे कुछ पिंच आउट देख सकते हैं जैसे और में आप लोगों को मिलता है वैसे इसमें भी मिल जाएगा। तो आई थिंक बहुत ही प्यारा है ये भी, क्योंकि उसे कुछ नए नए फीचर्स दिए हैं पोको ने जो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। गाइस मैं भी मैं आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ कुछ और नए कूल फीचर। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे इसको क्रोल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन को ऑल में मिलता है। आप उसे राइट शॉप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा लाइफस्टाइल, आप लोगों को फाइनेंशियल का मिलेगा, बिजनेस का मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पे न्यूज़ रीडिंग का मिलेगा, फोटोग्राफी का मिलेगा एंड यहाँ पे टूल्स एंड यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को मिल जाते हैं गेम्स देख सकते हैं आप, मैं एक ही खेलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को अलग ही चीज़ मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है ये जो किया है और आपको देती नहीं कंपनी। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग में आप लोग दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है जो मैं आप लोग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आइकन पैक आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे हम आइकन को चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस अपन को यहाँ पे एक ही आइकन मिलता है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड मोर करके आप यहाँ पे प्ले स्टोर से क्लिक कर सकते, इसे ले सकते हो। और तो मैं आप लोगों को ये जो फीचर है बहुत ही प्यारा लगा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये यहाँ पे आप लोगों को जो भी पसंद आए, यहाँ पे जैसे मुझे ये वाला चाहिए है तो मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, इसको इंस्टॉल पे करते हैं अपन, यार ये अपना कुछ और कर लिया तो यहाँ पे डाउनलोडिंग होना चालू हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 50 MB का है, तो इसको होने देते हैं फिर बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो हो चुका है आपका, दिस ऐप इज सेफ। तो यहाँ पे इसे अपन कर देते हैं डन पे क्लिक, यहाँ पे डन पे क्लिक करके अभी यहाँ पे अपन ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आ गए आपके पैक्स, ओके चलिए अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आप लोगों को होम स्क्रीन मिल जाती है देखने के लिए ऐसी। और यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पोको, वहाँ पे अपन वापस जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे
तो यहाँ पे मैं इसको भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपन को कुछ ऐसा दिखने मिलने वाला है। तो मैं अभी अप्लाई करूँगा ना तो गाइज अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन जाते हैं वापस बैक और देख सकते हैं आप स्क्रीन में ये कुछ नया इंटरफेस लेके आ गया है। तो हमने कुछ नया ऐप दिया था तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नया ऐप नया इंटरफेस आ गया, तो मैं सबसे अच्छी बात है यार, क्योंकि अच्छा है ये और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम पड़ रही है मेरे इस मोबाइल में, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड अच्छा लग रहा है। एंड हम बात करते हैं थोड़ा इसके सेटिंग में वापस जाते हैं। एंड आप लोग जो आइकन का जो आप जो चाहे आइकन आप ले सकते हो, मैं ऐसे रिकमेंड करूँगा कि कोई भी आइकन आप यूज़ करो, बिकॉज यहाँ पे आप लोग बहुत सारे और आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अपना अपने पसंद को भी कर सकते हो, जैसे मुझे सैमसंग का पसंद है, आईफोन का पसंद है, तो कोई भी आप जाके ले सकते हो। कुछ तो पैसे वाले भी हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा लेना है। अब बात कर लेते हैं हम इसके सेटिंग के बारे में, और कुछ आगे सेटिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अभी अपन कुछ और बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको और भी कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप आइकन्स बाय कलर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे बैक में, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप लोग नीचे कुछ यहाँ पे आप लोगों को कुछ देखने मिल जाता है कलर्स के टाइप। तो यहाँ पे आपको कुछ ये ऐसा हो जाएगा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे आप ये करोगे तो ये वाला कलर आ जाएगा। तो जो कलर है ये आप लोग बना देंगे, और मेरे सबसे बहुत ही अच्छा है ये कूल फीचर लगा मुझे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। देख सकते हैं आप ब्लू मैंने किया तो यहाँ पे सबको ब्लू कर दिया इसने, तो आई थिंक अच्छा है। यहाँ पे रेड में जाओगे रेड में लेंगे, तो मेरे सबसे अच्छा है ये भी ऐप। एंड कुछ कुछ नए नए फीचर्स दिए गए हैं, रेडमी यूट्यूब आ गए तो मेरे सब बहुत ही ठीक है। एंड बहुत ही कूल फीचर्स दिए गए हैं इस पोको इस फ़ोन ने। तो अभी वहाँ पे जाते हैं सेटिंग की ओर। अभी यहाँ पे अपन जाएंगे स्क्रोल बार में, यहाँ पे आप देखोगे स्क्रोल बार, तो अब यहाँ पे ए टू जेड भी चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ए टू जेड, आप लोगों को जैसे पता होगा इस साइड में जो ए टू जेड आता है आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोग ये देखिए ये जैसे ए टू जेड आप लोगों को पता ही जो हर मोबाइल में होता है, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। लास्टली हम लोग यहाँ पे अभी बात कर लेंगे कि कैसे आप लोग को अपने जो ऐप है उसको हाइड करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है, सेटिंग की ओर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे मिल गए, यहाँ पे हाइड ऐप आइकन पे क्लिक करके ऑन कर देना और अपना फिंगरप्रिंट जो है लगा देना है। ये हो गया, और आपको यहाँ पे कोई भी डॉट रख लेना है, ठीक है। तो ये अपन ने रख लिया, ओके ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने कर दिया है। एंड अब हम जाएंगे दोस्तों ऐसे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे ऊपर ऐसे करोगे और यहाँ पे ऐसे दो बार ऐसे करोगे ना, तो दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, दो हाथ करने पड़ते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइडन ऐप आइकन्स, यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगाइए, ये वाला मेरा लगता है। तो यहाँ फिंगरप्रिंट, ठीक है, नो आइटम हेयर लिखा है हुआ है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन में आप लोग क्लिक करना है, एंड जो ऑप्शन आप जो चाहें आप जो ऐप चाहें उसे कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी, और यहाँ पे मैं आप लोग दिखा देता हूँ, ये अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे अपना एडसेंस करना है, ये करना है, ये करना है, कोई भी हम कर देते हैं, तो इसे हम करके ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। टिक पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो है ये फिर हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वापस जाना है, और यहाँ पे अपन ऐसे ऊपर जाएंगे एंड इस पर ऐसे क्लिक करेंगे एंड अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, ये वापस यहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कूल फीचर्स जो हैं जिसमें इस लॉन्चर में देखने मिलते हैं। तो यार मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लॉन्चर मुझे बहुत पसंद आया है, बट डेफिनेटली मैं इसको यूज़ करूँगा। तो आप बताओ आप कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही मैं यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाया करिए, जो आप लोग अपना लाइक कर देते हो, और ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और जल्दी से वीडियो को शेयर करो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जिन जिनको ये लॉन्चर चाहिए था। तो बस मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।